बोले श्री कमला पंडित महाराज की जय। श्री कमला पंडित महाराज की जय। ओम श्री कमला पंडित महाराज की जय। आज बड़े अहोभाग्य का समय है हमारा, जो कि इस समय पर आप लोग भाव के साथ श्री बाबा कमला पंडित जी महाराज के स्थान पर हाजिर हैं और यहाँ उपस्थित है। आज विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस है और फिर आज कृष्ण जी जन्माष्टमी का आज छठ का दिन है। आज बहुत ही पावन दिन है। इस अवसर पर श्री बाबा कमला पंडित जी महाराज से प्रार्थना है कि आप लोग जितने भी श्रद्धालु श्री बाबा कमला पंडित जी महाराज के स्थान पर हाजिर हैं, आपकी दया दृष्टि सबके ऊपर बरसे, जैसे श्रद्धा के साथ और भाव के साथ आपके सेवा में आपके चरण में सम्मान देते हुए आपके स्थान पर हाजिर हैं। हे बाबा, हे ब्रह्मदेव, आपकी कृपा सबके ऊपर बरसे, जैसे संजू देवी के ऊपर आप बरसाए थे उसी तरीके से सबके ऊपर बरसाए। और यह स्थान बहुत ही संघर्षशील रहा है, इस स्थान पर बहुत ही संघर्ष किया गया है। आज हमारे पूर्वजों ने 7-8 पीढ़ी के पूर्वजों ने इस स्थान को खून पसीने से सींचा है और इस स्थान को नष्ट नाबूद करने का प्रयास बहुत ही तन मन के साथ जो करने वाले कल्याणकारी लोग करने का प्रयास किए, लेकिन बाबा की कृपा से कुछ नहीं हो सका और ना हो सकेगा। जितने लोग श्री बाबा कमला पंडित जी महाराज को अभद्र निगाह से देखने का प्रयास करते हैं उनका अहित ही होता है, हित नहीं होता। बाबा श्री कमला पंडित जी महाराज भाव के भूखे हैं, जाति के भूखे नहीं है। भाव के साथ चाहे किसी भी जात के हैं, किसी भी समाज के हैं, भाव के साथ जो लोग श्री बाबा कमला पंडित जी महाराज के स्थान पर पहुंचते हैं मनवांछित सफलता को प्राप्त करते हैं। बाबा एक ऐसे ब्रह्म स्थान है जहां पर हर समुदाय के लोग मत्था टेकते हैं। कुछ लोग तो नहीं चाहते हुए भी उनको इस स्थान पर मत्था टेकना पड़ता है, मजबूर होकर आना पड़ता है और सम्मान देना पड़ता है। ऐसा स्थान आप लोग हिंदुस्तान में कहीं से भी पा सकते हैं। और इसके साथ हम आगे आरती का प्रोग्राम होगा और पहले माता जी के यहाँ होगा, पहले पहले इसके साथ आरती होगा, माता जी की आरती होगी, फिर बाबा जी का आरती होगा और फिर भगवान श्री राम का आरती होगा। अब वीरेंद्र जी से मैं चाहूंगा कि आरती